हेलो दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी कैसे खोलें। जैसे पहले कभी आपने इंस्टाग्राम को यूज किया है तो उस पर आपने आईडी बनाई होगी, ठीक है, या फिर आप कुछ दिनों पहले जो इंस्टाग्राम आईडी को यूज करते थे, अगर आपका मोबाइल यहाँ पर खो गया, चोरी हो गया, या फिर आपका मोबाइल रिस्टोर हो गया, यानी आपका मोबाइल रिस्ट हो गया है, ठीक है, और आप अब नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना नहीं चाहते, आप अपना पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना चाहती हैं, लेकिन आपको पासवर्ड भी नहीं पता और ईमेल भी नहीं पता। बात को समझना मेरी, पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट की आपको ईमेल आईडी भी नहीं पता है, ना ही आपको पासवर्ड पता है, फिर भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे? ध्यान से समझना मेरी बात को। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने पुराने इंस्टाग्राम आईडियो को चुटकियों में ओपन कर सकते हैं। ध्यान से समझ लेना कैसी बात कर रहा हूँ, बिना ईमेल बिना पासवर्ड एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडियों को चुटकियों में ओपन कर सकते हैं बिना ईमेल और बिना पासवर्ड के, ठीक है। तो बस वीडियो कंप्लीट पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो, अगर आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नया सीखना चाहते हो, कुछ भी नया जानना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पे आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो कि आपके काम की होंगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी कैसे खोलेंगे, तो ध्यान समझना मेरी बात को। ये सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा तो आप अपने पुरानी इंस्टाग्राम की आईडी को ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझना, असली प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो, आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहां पर आपके सामने दो बॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। और पहले बॉक्स में आपको ये आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, कौन कौन सा, यूजर नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, यानी इन तीनों में से आपको जो आपको तीन चीज मिल रही है, तीन में से आपको एक चीज डालनी पड़ेगी। बात को समझना मेरी। देखो, अगर आपने पहले कभी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई है पुरानी, अगर कोई आप आईडी अपनी ओपन कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपकी पुरानी आईडी का यूजर नेम क्या था, आपको ये तो पता होगा। ये नहीं पता होगा तो आपको सेकेंड ये पता हो कि आपके जो इंस्टाग्राम आईडी थी उसमें आपकी कौन सी ईमेल आईडी लगी थी, या फिर जो आपका इंस्टाग्राम पुरानी आईडी थी वो कौन से मोबाइल नंबर से बनी थी, क्योंकि आपने यू इंस्टाग्राम यूज किया है तो आपको ये सारी चीजें तो पता होंगी, क्योंकि ये सारी कॉमन चीजें हैं जो कि सभी को पता रहती हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं जो पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट में यूज करता था उसका मेरे पास एक स्क्रीन शॉट है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक स्क्रीन शॉट है, ये समझ रहे हो, ये स्क्रीन शॉट है मेरे पुरानी वाले आईडी का, जिसका मेरा यूजर नेम था टेक्निकल फ्रोजावादी, समझ रहे हो। तो मुझे मेरी पुरानी आईडी का यूजर नेम पता है। देखो, इन तीनों में से आपको एक ना एक चीज तो 100% पता होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम यूज किया है, समझ रही हो। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो भी आप अपने पुरानी इंस्टाग्राम आईडी खोलना चाहते हो उसका आप तीनों में से एक चीज आपको इस बॉक्स में डालनी होगी, चाहे ईमेल आईडी डाल दो, या फिर मोबाइल नंबर डाल दो, या फिर यूजर नेम डाल दो। तो मुझे अपना यूजर नेम पता है तो मैं सिंपल यहाँ पर यूजर नेम डालना पसंद करूंगा, तो मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको जो पता हो वो आप यहाँ पर एक चीज डाल देंगे, ठीक है। बात को मेरी ध्यान से समझना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना यूजर नेम यहाँ पर डाल दिया, टेक्निकल फ्रोजावादी, जो कि मेरे पुरानी इंस्टाग्राम आईडी थी जिसको मैं पहले यूज करता था उसका मेरा यूजर नेम था टेक्निकल फ्रोजावादी, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब सेकंड स्टेप आती है पासवर्ड। जब तक आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, बात को समझना। पर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो। जब तक आपको सबसे पहले यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब पासवर्ड, जैसे कि मैं अंदाज़े से मैं पासवर्ड पहले एक बार ट्राई करता हूँ, मुझे पक्का भरोसा नहीं है, पर मैंने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया अंदाज़े से, ठीक है। उसके बाद मैं लॉग इन करता हूँ, बात को समझना मेरी। यहाँ पर मेन चीज होती है पासवर्ड। पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुम 10 साल पुराना खोल लोगे, अब यहाँ पर साफ साफ मना कर रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड, यानी आपके इंस्टाग्राम आईडी का गलत पासवर्ड है, इस वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना, ध्यान से समझना, इसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। देखो, आपको क्या करना, आपके इंस्टाग्राम का यूजर नेम मुझे सही है लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं पता है, जिसकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड पता करना पड़ेगा। पासवर्ड आप चुटकियों में पता कर लेंगे, टेंशन मत लो। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना है। यूजर नेम आपका सही है, पासवर्ड कैसे सही वाला पता करेंगे, क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बात को समझना मेरी। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन
एप्लीकेशन होगा, कौन सा एप्लीकेशन होगा, जीमेल, जीमेल, बात समझ रहे हो। तो सिंपल वे आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों करा रहा हूँ, अरे मेरे भाई सारा खेल यहीं का, ध्यान से समझो मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सिंपल वे आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो आपके मोबाइल में जितनी सारी ईमेल आईडी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है, जैसा कि मेरी आ रही है। और एक ईमेल आईडी आप फर्स्ट में ऊपर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसको आप पुराना अकाउंट खोलना चाहते हो उसमें आपकी जो भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो ईमेल आईडी ऊपर आपको फर्स्ट में ओपन करनी है, क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम में एक आप ईमेल आईडी लगाई होगी आपने, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फर्स्ट में ओपन कर लेनी है। बात को समझो मेरी, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पर फर्स्ट में ओपन है यही वाली मेरी ईमेल आईडी से इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट का, ठीक है। सिंपल भी आपको इस पर ही एक बार क्लिक कर देना गूगल अकाउंट पर। ध्यान से समझना मेरी बात को, सारा खेल यहीं का है, समझ रहे हो, सारा खेल यहीं का है। अब देखो आपका गूगल अकाउंट ओपन चुका है और यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा एंड प्राइवेसी। अब अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी का, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, सारा खेल इसी का है, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको इसको स्क्रॉल करना है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड मैनेजर, समझ रहे हो, सारा खेल यहीं का। अब सिंपल भी आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है, पासवर्ड मैनेजर, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखो यहाँ पर जो आपकी ईमेल आईडी आ रही है, इस ईमेल आईडी से जितने सारे आपके एप्लीकेशन में पासवर्ड डला है, जैसे कि लाइक, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओएलएक्स, एक्सोमी, यानी मेरी इस ईमेल आईडी से मेरे चार एप्लीकेशन में पासवर्ड डला है, जो कि यहाँ पर मुझे पासवर्ड पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, देखो अगर आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड जानना चाहते हो तो सिंपल भी आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करें अब आपको अपना फिंगर लॉक लगाना है, फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो मैं अपना फिंगर लगा देता हूँ, ठीक है। फिंगर लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है, instagram.com, और यूजर नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है टेक्निकल फ्रोयेवाली, जो कि मेरे इंस्टाग्राम का जो मैंने यूजर नेम डाला है वो आप क्या इंस्टाग्राम का यूजर नेम है टेक्निकल फ्रोयेवाली, ठीक है, जो कि यहाँ पर आ चुका है। ये इसका यूजर नेम और ये इसका पासवर्ड है, ध्यान से समझना, ये 100% रियल पासवर्ड होता है जो कि आपने डाला है अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड, और ये वही वाला पासवर्ड है। अगर आप अपना पासवर्ड देखना चाहते हैं तो सिंपल भी आपको इस आई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। कहने का मतलब ये, आप यहाँ से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड आसानी से पता कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपको यहाँ से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ से आपका पासवर्ड पता चल गया है, जैसे मैंने यहाँ से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड देख लिया। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं दिखा सकता, इसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर देना, ठीक है। पर मैंने यहाँ से अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड देख लिया, ठीक है। पासवर्ड देखने के बाद अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, यहाँ पर आने का जो मैंने पासवर्ड वहां से देखा है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डाल दिया, जो कि मैंने वहां से पता किया था। उसके बाद सिंपल भी आपको लॉग इन के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपकी कितनी भी पुराने इंस्टाग्राम आईडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हो चुका है, जबकि ये मेरे इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी थी, फिर भी ये तुरंत ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया, ठीक है। और ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, मेरी प्रोफाइल है टेक्निकल फ्रोयेवाली। अगर अभी तक मुझको फॉलो नहीं किया तो मुझको फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।